हेलो अरविंद, इस वीडियो में हम रस पढ़ेंगे, उसके स्थायी भाव पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो रस है श्रृंगार, इसका स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम, यानी रति का मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम। तो जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार होता है, एक वियोग होता है। मिलन की बात होती है तो संयोग होता है, और बिछड़ने की बात होती है तो वियोग होता है। और दोनों का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। रति का मतलब होता है स्त्री या पुरुष का प्रेम, ठीक है। दूसरा क्या है, करुण रस। करुण रस का मतलब होता है शोक, यानी कि अगर प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न होने वाला व्याकुलता, तो वो क्या कहलाएगा, करुण रस कहलाएगा। यानी करुण रस जो है उसका स्थायी भाव होता है शोक। दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा जो रस है वो हास्य। हास्य का स्थायी भाव होता है हास, यानी कि हम जो हम बोल रहे हैं या वाणी या अंगों में जो उत्पन्न होता है उल्लास और हंसी, ये जो स्थायी भाव होता है हास्य, जो स्थायी भाव होता है वो हास्य रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो रस है वीर। वीर का जो स्थायी भाव होता है उत्साह, और ये कब ये कब उत्पन्न होता है, दया दान वीरता या इन, यानी हम दया कर रहे हैं दान कर रहे हैं और अगर वीरता दिखाए उससे हमारे मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसको करने का, जो हम उस दया करने के बाद दान करने के बाद और वीरता दिखाने के बाद जो हमारे मन में प्रकट होता है वो कहलाता है वीर रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। नेक्स्ट हमारा जो रस है वो रौद्र रस है। रौद्र रस का जो होता है क्रोध होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी कोई काम बिगड़ जा रहा है तो उससे, यानी कोई काम बिगड़ जा रहा है तो उससे हमारे मन में क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो रौद्र रस जो होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रस है भयानक है। भयानक जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है, भय। तो यानी कि अब क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को देख के आपके मन में आपको डर लगने लगता है किसी भी चीज़ से, तो उसका यानी आपको भय लग रहा है, तो भयानक का जो स्थायी भाव होता है वो भय होता है। यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको डरा रही है, तो इसमें क्या होगा, आपके अंदर जो भय उत्पन्न कर रही है, तो वहाँ पर जो रस होगा वो क्या होगा, भयानक होगा, और स्थायी भाव क्या होगा, भय होगा। नेक्स्ट जो हमारा रस है अद्भुत। किसी चीज़ को देख के आपको आश्चर्य हो रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, विस्मय हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, रस जो होगा अद्भुत होगा, और जो स्थायी भाव होगा आश्चर्य होगा, विस्मय। विभित यानी जुगुप्सा या घृणा, यानी कि आपको किसी चीज़ से देख, कोई भी चीज़ देख के आपको घृणित हो रहे हैं आप, यानी वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, जिससे आपके मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। यानी कि जिगुप्सा के मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी घिनौनी चीज़ देख रहे हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा घृणा, ऐसी चीज़ देखने का आपकी इच्छा नहीं हो, फिर भी आप वो चीज़ देख ले रहे हो, तो उस वहाँ पे जो रस होगा वो हमारा विभित्स रस होगा, और जो उसका स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, जिगुप्सा होगा। नेक्स्ट जो हमारा रस है वो शांत है। शांत जो रस है उसका स्थायी भाव है निर्वेद या निर्विद, यानी कोई भी चीज़, जैसे कि आप जो चीज़ संसार के प्रति क्या उदासीनता का भाव हो, आप एकदम जो हो रहा है उससे आपको कोई फर्क ना पड़े, एग्जैक्टली ये है कि जो शांत रस का जो स्थायी भाव का निर्वेद है, यानी संसार के प्रति आपके उदासीनता का भाव है, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा रस कहलाएगा, शांत रस होगा, और जो स्थायी भाव निर्वेद और निवृत्ति होगी। नेक्स्ट हमारा जो रस है वो वात्सल रस है, यानी कि इसका जो स्थायी भाव होगा वात्सल रति होगा। यहाँ पे संतान के प्रति प्रेम की बात होती है, स्नेह की बात होती है, यानी अब क्या होता है, जैसे यशोदा जो है कृष्ण के बीच में, वो वहाँ पे जो रस है वो वात्सल रस है। तो जब संतान के प्रति प्रेम की बात होती, स्नेह की बात होती, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वात्सल रस होता है। नेक्स्ट जो हमारा रस है, तो वात्सल रस का जो स्थायी भाव होता है वात्सल रति होती है। नेक्स्ट जो हमारा रस है भक्ति होती है। भक्ति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम की बात हो रही है। भगवत विषय यानी रति अनुराग, अगर आपको ईश्वर के प्रति प्रेम है वहाँ, तो वहाँ पे भक्ति रस होगा, और जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा,
भगवत विषयक रति या अनुराग वश। तो ये हमारे रस रहे और उसके स्थाई भाव रहे, कौन कौन से? श्रृंगार का रति, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य, विस्मय, शांत का निर्वेद या निवृत्ति होगा, भक्ति रस का भगवत विषय के रति या अनुराग हुआ, हास्य क्या? हास्य, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विविष का जिगुप्सा, वात्सल का वात्सल रति। तो ये हमारे रस रहे, उसके स्थाई भाव रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।